ये भी अभी है ना, हमने जिप्सी की अरे आरती भी बैठ यहां पाछड़े ने, तू यहां बैठ शार्दुल और वो अंदर पे बैठ तो यही है वो अचलगढ़ जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे अभी हम लोग आबू में अचल देश्वर महादेव जी के टेंपल पे आए हुए हैं, ठीक है। और इसकी एक स्टोरी भी है जो कि काफ़ी मतलब सही है ऐसा बोला जाता है, तो मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल हमने जो हमारी इर्टिका है वो यहाँ पे पार्क कर दी है और इसके बाद अभी हम चल रहे हैं महादेव जी के टेंपल, ठीक है। अर्पिता दी नहीं जा रही क्योंकि उनको शायद हो सकता है सॉरी मंदिर पे जाएंगे, उसके बाद वो आगे नहीं जाने वाली, तो आइए चलते हैं। ये भी तो अभी है ना, हमने जिप्सी की अरे आरती भी बैठ यहाँ पाछड़े ने, तू यहाँ बैठ शार्दुल और वो अंदर पे बैठ राजा महाराजा आदि घोड़ा बैलगाड़ी फोर्ट देता था पर बीजी पर कार भरते ही अजीब सवाल आना सर, बहुत छोटा रास्ता लेफ्ट साइड में गाम नाम अचलगढ़ कहवाया वालू, नीचे अचलेश्वर दादा नु शिव मंदिर जी आगे भगवान भोलानाथ ने जमना पगना अंगूठा ने पूजा थे, आखा आबू ने महादेव काशी विश्वनाथ जी बैसी ने जमना पगना अंगूठा पर एक जगह स्टेबल अचल राखेलू है। अचल एट अंगूठा पर स्टेबल थे ગઢ એટલે ફોર્ટ કિલ્લો, આ ફોર્ટનો ફર્સ્ટ ગેટ પહેલો દરવાજો આવી રહ્યો ને, હનુમાન ફોર્ટ હનુમાન ગેટ દરવાજાનું નામ દાદા બેઠા છે બજરંગ બલી દાદા, મેવાડના કુંભાર રાણા ફોર્ટ બનાવેલો આ 1452 માં અને ફોર્ટ 16 વર્ષ સુધી રાજ કરેલું, કેટલા વર્ષ સુધી 16 સાલ લેફ્ટ સાઈડ પર કપૂર સાગર લેક હે, કુંભાર રાણા ના સૈનિકો લેક ને ખોદેલું, લેક ના ઉપર થી દેખાય આપણને સનરાઈઝ સવારે સવારે ઉદય થાય ને ત્યારે આપણને દેખાય ફોટો નો ફર્સ્ટ મંદિર આવશે, ટાઈટ બંધ કરો દેખો કેટલા છોટા રસ્તા હે ને યહાં પે देख सकते हो आपने एक तालाब भी बना हुआ है, ठीक है, जो कि काफी पुराना माना जाता है। और ये रास्ता व्यू हम जो आए थे ना वो फर्स्ट गेट था और यहाँ पे सेकंड गेट है, पर यहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती तो इसीलिए हमें पैदल ही चढ़ना हुआ किले की ओर, ठीक है। तो अभी हम लोग सब ग्रुप में है तो सबको लेके अभी ऊपर ही जाना है, चले पिताजी जी चलाओ जी बहु घन चल थक गई हमारे साथ एक वो क्या बोलते कान हो गया, हम लोग हादसा हो गया, हम लोग पीछे बैठे थे तो पीछे का दरवाजा खुल गया पूरा, वो तो सही है हम लोग ने देख लिया नहीं तो सारे गिर जाते।
पता है ये जो तालाब है ना, इसकी काफ़ी पुरानी कहानी भी है जो कि भीम से जुड़े हुए है। ठीक है, तो इसके बारे में ना ऑलरेडी हमारे जो ड्राइवर्स थे ना, उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, और ये वो मंदिर है जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, यहाँ पे ना इसे अचलगढ़ फोर्ट कहा जाता है, बट ये मंदिर है एक्चुअली में। ठीक है, फोर्ट भी है, मंदिर भी है। ठीक है, तो अगर आप लोग विजिट करना चाहते हो तो आप लोग आ सकते हो। और यहाँ पे ना काफ़ी सुंदर जगह भी है, बट आपको चढ़ाई करने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, बट भगवान के लिए इतना सब चलता है। उसने अर्पिता दी को चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो वहीं पे रुक चुकी हैं। ठीक है, तो मैं, आरती दी, शार्दुल भाई और शैलेश भी आ गए थे मंदिर के दर्शन करने के लिए अचलगढ़ में। ठीक है, तो यही है वो अचलगढ़ जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे ना एक्चुअली में फोर्ट है, और इसी के साथ में आज का जो ब्लॉग है मुझे यहीं पर एंड करना होगा। और आने वाले ब्लॉग में देखेंगे कि हम किस जगह पर जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये मंदिर का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक्स और शेयर कर देना अपनी फैमिली मेम्बर के साथ में। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।